हेलो गाइस, ये वाईजी लॉर। आज हम पढ़ेंगे ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। सेक्शन 441 से 445 के बीच में पांच सेक्शंस हम पढ़ेंगे इसके अंडर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, फटाफट समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेसपास, देखो ट्रेसपास का मतलब समझो। सबसे पहले ट्रेसपास मतलब क्या है, ये पर्सन ए है, ठीक है, इसके पास ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी है, इसका राइट है कि ये प्रॉपर्टी को यूज़ कर सके और दूसरों को यूज़ करने से रोक सके। मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, भले मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई और उस पर आके कदम रख देगा और चला जाएगा तो मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो इलीगल चीज़ है क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है। भाई तूने कदम कैसे रखा मेरी प्रॉपर्टी पे? तो इसकी प्रॉपर्टी में अगर कोई और पर्सन अंदर घुस के बाहर निकल जाता है, कोई नुकसान हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर घुसता है, एंट्री लेता है, वैसे ही वो ट्रेसपास कमिट करता है। अब जो अपन इसमें ऑफेंसेस देख रहे हैं ना, ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग वगैरह वगैरह, वो सारे ट्रेसपास के ही वेरिएंट है, ठीक है। ट्रेसपास के ही अलग अलग कंडीशंस में वो ट्रेसपास ही है, तो मेन ऑफेंस ट्रेसपास है, उसको अलग अलग में डिवाइड किया हुआ है, वो अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले 441 क्रिमिनल ट्रेसपास और 442 हाउस ट्रेसपास। अगर इनके एसेंशियल्स अपन देखें तो क्रिमिनल ट्रेसपास के क्या एसेंशियल हैं, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में घुसते हो, ठीक है, और उसके बाद आप जो घुस रहे हो, तब आपका घुसते वक्त आपका इंटेंशन है इंटिमिडेट करना, इंसल्ट करना या अनॉय करना सामने वाले आदमी को, इन तीनों में से कुछ भी। और दूसरी चीज़, एक तो हो गया इल्लीगली घुसना, ये बंदा है, इसकी प्रॉपर्टी है और इसमें इल्लीगली अनलॉफुली दूसरा इंसान घुस गया, तो यहाँ तो ये ट्रेसपास हो गया। लेकिन मान लो ये घुसा लीगल मीन्स है, ठीक है, घुसा ये, अब जैसे मान लो थिएटर है, थिएटर में मैंने टिकट खरीदी, अब टिकट खरीदी तो टिकट खरीद के मेरा पिक्चर देखने का राइट है, लेकिन मैं अगले शो में भी बाहर नहीं निकला, वहीं जम गया, बैठ गया और वहाँ पे अनॉय कर दिया लोगों को, वहाँ पे हल्ला हल्ला मचा दिया, मतलब वहाँ कुछ भी कर दिया, लेकिन इल्लीगली वहाँ पे रहा, घुसा लॉफुली लेकिन अनलॉफुली वहाँ पे रहा, अनलॉफुली रिमेंस, तो वो भी ट्रेसपास होगा। तो क्रिमिनल ट्रेसपास समझ गए, या तो अनलॉफुली घुस गया या अनलॉफुली वहाँ रह गया, ठीक है, और इंटेंशन है इंटिमिडेट, इंसल्ट या अनॉय करने का, तो ये हो गया क्रिमिनल ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास की बात आती है, वही क्रिमिनल ट्रेसपास वाली चीज़ है, लेकिन हाउस ट्रेसपास उन जगहों में होता है इन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग और एनी बिल्डिंग यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और एज अ प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। वर्शिप की जगह हो, प्रॉपर्टी जहाँ पे स्टोर कर रखी हो वो जगह हो, यहाँ पे या फिर वहाँ पे लोग रहते हों, ठीक है, तो वो हाउस ट्रेसपास होगा। अब जैसे मान लो मेरा प्लॉट है, खाली प्लॉट है, बंजर, तो उसके अंदर घुसेगा तो वो ट्रेसपास होगा, लेकिन वो हाउस ट्रेसपास नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कोई प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है और वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी हुई। तो हाउस ट्रेसपास, इन तीनों कंडीशंस में इस ट्रेसपास को हाउस ट्रेसपास बोला जाएगा। तो 441, 442, 443 बात करता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास की, 444 बात करता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट की। अब इन दोनों का क्या मतलब है, लर्किंग हाउस मतलब आप छुप रहे हो, ठीक है, छुप रहे हो मतलब Whoever commits house trespass having taken precautions to conceal such house trespass from some person who has a right to exclude or reject. वही वाला example मैंने जैसा आपको बताया, ये property है, इसके अंदर ये बंदा है, मैं इस property के अंदर घुस गया और फिर मैं इससे छुप गया, इसके पास right है मुझे property से बाहर निकालने का और इससे मैं छुप गया कहीं अंदर, तो एक तो property के अंदर घुसे, trespass किया, उसके बाद उस property में अपना trespass छुपाने की try करी खुद छुप के, तो वो हो गया लर्किंग हाउस ट्रेसपास। वही लर्किंग हाउस ट्रेसपास अगर मैं सनसेट के बाद या सनराइज से पहले कर लूंगा तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास पर नाइट हो जाएगा, रात को करूंगा तो नाइट में हो जाएगा। तो अपन ने चार चीज़ें देखी अभी तक, 441 में था ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, 442 में था हाउस ट्रेसपास, 443 में था लर्किंग हाउस ट्रेसपास और 444 में लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। तो बढ़ता जा रहा है, पहले ट्रेसपास बताया, फिर बताया हाउस में ट्रेसपास क्या होता है, फिर बताया हाउस के अंदर छुप जाओगे तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास होता है, और फिर वही हाउस के अंदर छुप के ट्रेसपास करोगे रात को तो वो लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट होता है, ठीक है। चार सेक्शन अपने हुए, पांचवा सेक्शन है हाउस ब्रेकिंग। अब हाउस ब्रेकिंग कोई अलग चीज़ नहीं है, ट्रेसपास ही है, हाउस ट्रेसपास ही है। अ पर्सन इज सेट टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास इफ ही अफेक्ट्स हिज एंट्रेंस इनटू द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट इन एनी ऑफ द सिक्स वेज हियर आफ्टर डिस्क्राइब्ड और इफ बीइंग इन द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस देयर इन ही क्विट्स द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट इन एनी ऑफ द सिक्स वेज। अब इसका क्या मतलब है कि एक आदमी जो ये छह वेज में आपको बताऊंगा, उन छह वेज में से कोई एक यूज करके या तो एंटर हुआ है या फिर एग्जिट हुआ है, ठीक है, तो वो हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा।
जैसे नॉर्मली गेट से अगर मैं रास्ते से आऊंगा जाऊंगा तो वो हाउस ट्रेसपास वगैरह होगा, लेकिन अगर मैं इन 6 रास्तों से आया गया या इन 6 मीन से आया या गया उस घर में, तो वो हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। तो वो 6 रास्ते क्या क्या होंगे या 6 तरीके क्या क्या होंगे? बाय पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ और अबेटर टू ट्रेसपास। यहाँ पे अबेटर कौन होगा? अबेटर होगा सहयोगी, जो साथ दे रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं चोर हूँ और मैंने घर के अंदर एक सर्वेंट को पटा रखा है कि भाई मैं चोरी करूँगा तो सपोर्ट कर देना अंदर बाहर घुसने वगैरह में, तो वो अबेटर होगा उस केस में, तो अबेटर भी इंक्लूडेड है। तो पहला क्या है, पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ और अबेटर। पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ मतलब मान लो सुरंग खोद लियो, जैसे चोर जो करते हैं ना, नॉर्मली सेंध लगाना बोलते हैं, पुराने टाइम में सेंध लगाना बोलते थे। सेंध लगाना वही होता है, दीवार में ऐसे ऐसे से मतलब छेद वेद टाइप करके कुछ वो रास्ता वास्ता बना लेते थे और फिर घर के अंदर घुस कर भग जाते थे उसी छेद से। दूसरा होगा बाय पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनीवन फॉर ह्यूमन एंट्रेंस और पैसेज एक्सेस ऑब्टेन्ड बाय स्केलिंग अ वॉल और बिल्डिंग। अब दूसरा कि ऐसा रास्ता जहाँ से घुसने के लिए, जो इंसानों के घुसने के लिए नहीं है, वहाँ पे रास्ता है, निकला जा सकता है आदमी से, लेकिन वो घुसने के लिए है नहीं। अब जैसे मान लो फॉरेन में होता है, फॉरेन में जो घर का घर होता है ना, घर के सामने गेट में छोटा सा नीचे छेद बना के रखते हैं अपने पेट्स के लिए, कुत्ते बिल्ली अंदर बाहर आ सकें। ठीक है, अब उस छेद से कोई घुस जाए तो वो हाउस ब्रेकिंग होगा। क्यों? क्योंकि वो रास्ता इंसान के घुसने के लिए नहीं है। या फिर दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है, या फिर मान लो कोई दीवार चढ़ के या बिल्डिंग चढ़ के आप कूदे हो, जैसे मान लो छत है, छत से एक खिड़की खुली हुई है, वहाँ से घुस सकता है आदमी, लेकिन वो छत पे जाने के लिए वो पड़ोस वाली बिल्डिंग पे घुस के वहाँ से छत पे कूद जाए, तो वो वाली भी चीज़ भी इसमें कवर हो जाएगी। तीसरी चीज़ है बाय पैसेज ओपनड इन अ वे विच वॉज नॉट इंटेंडेड बाय द ऑक्यूपायर टू बी ओपन। मान लो ताला वाला लगा रखा है किसी ने, उस ताले की चाबी अभी सर्वेंट से निकलवा ली, अबेटर से निकलवा ली, या कुछ कर लिया, या खुद ही कहीं से बनवा ली, और उस गेट का ताला खोल के वो घुस गया। अब वो जो ऑक्यूपायर है, जो उस प्रॉपर्टी पे रहता है, उसने नहीं इंटेंड किया था कि वो ताला कभी खुले, लेकिन आपने खोल के अंदर घुसे, तो भी हाउस ब्रेकिंग होगा। बाय ओपनिंग अ लॉक, वही ताले वाला एग्जाम्पल, उसने कुंडी लगा रखी हो, आपने खोला हो, इधर ताला खोल दिया हो। मतलब बेसिकली ये जो 6 तरीके हैं ना, इनमें वही बात हो गई कि एक तो नॉर्मल ट्रेसपास है कि आप घुस गए, और ये एकदम हाउस ब्रेक करके आप घुसे हो, मतलब आप नॉर्मल तरीके से नहीं घुसे हो, आपने जो अपना रास्ता घुसने का बना लिया है। तो इसमें पांचवा एग्जांपल है भाई क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग एन असॉल्ट। चौकीदार है, उसको हड़का के अंदर घुस गए, या ओनर को हड़का के अंदर घुस गए, बंदूक दिखा के अंदर घुस गए। क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट का अपन ने वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। बाय पैसेज विच इज़ फास्टन टू प्रिवेंट एंट्रेंस और डिपार्चर। फास्टेंड का मतलब होता है क्लोज करके रखना, तो कोई रास्ता ऐसा जो क्लोज कर रखा हो एंट्रेंस और डिपार्चर करने के लिए, मान लो कुछ वहाँ पे ऑब्स्टेकल रख रखा हो या जो भी बंद बंद कर रखा हो। तो बेसिकली इन 6 वेज का, ये थोड़े कन्फ्यूजिंग से वेज हैं, मतलब सेम सेम सी बातें करते हैं, तो आप जिस समझ रहे हो ना कि ये 6 वेज में से कैसे भी कोई दूसरे बिल्डिंग से कूद के, जो रास्ता इंटेंडेड नहीं है, वहाँ से घुस के लॉक तोड़ के, डरा के, धमका के, पैसेज बना के अगर आप घुस रहे हो तो वो हाउस ब्रेकिंग होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन बोलता है कि एनी आउट हाउस, मान लो कोई घर है और उसके साथ कोई आउट हाउस है और वो आउट हाउस अंदर ही अंदर कनेक्टेड है घर से, तो उस आउट हाउस में भी अगर आप ब्रेक इन करोगे ना तो वो भी हाउस ब्रेकिंग ही माना जाएगा, भले ही वो आउट हाउस में आपने ब्रेक इन किया हो, अगर वो आउट हाउस कनेक्टेड है तो। तो गाइस ये हो गया हमारा हाउस ब्रेकिंग और ट्रेसपास कंप्लीट 441 से 445 तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमारे इस वीडियो के साथ सारे खत्म हो चुके हैं, और यहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप बाकी के वीडियोस देखना। ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी भी मैंने कवर कर लिया है, जनरल एक्सेप्शन भी कवर हो गया है, तो आप सब कुछ वीडियोस देख सकते हो। आगे के भी IPC के वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।